Guys, I'm Key. We're back with the new vlog, baby. आज आपको ये सही बता दें, हमारे लिए एक बहुत दुख का पल है क्योंकि आज हमारे कुछ साथी लोग यहाँ फ्लैट से भी जा रहे हैं लोग घर की तरफ, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल और सेमेस्टर ओवर हो चुका है। आपको मैंने इससे पहले भी दिखाए थे, लोग रात रात भर पढ़ रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। तो चलिए अब इनको हम लोग चले क्या करने, इनको हम लोग छोड़ने चलेंगे रोड तक, उसके बाद देखते आगे क्या करना अपने को। तो चलो ताई भाई जा रहा हूँ भाई, गले मिल लो भाई यार, भाई भाई बहुत याद आएगी तुम्हारे भाई, भाई जल्दी आ जाना भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये लोग जा रहे हैं और मैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ, मैं इनके सामने एक्टिंग कर रहा था कि मैं थोड़ा उदास हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं घंटा उदास नहीं। उनको जाने दो, हम लोग अकेले ही रहेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ हमारा शम्स सिद्दीकी हमारे साथ रहेगा, अदनान भी हमारे साथ रहेगा और हमारे दो भाई और आ रहा है, आसिफ और अब्दुल्ला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, तो हम लोग चलते हैं इनको बाहर छोड़ने के लिए, चलो लेट्स गो। तो भाई हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये आपको बता दें कि जो लिफ्ट है ये हमेशा हमारे फ्लैट पे ही रहती है, क्योंकि दिन भर हम लोग का यही काम ही है, दिन भर फ्लैट ही पे रहती है। और इनका बैग देख रहे हैं, फुल तैयारी से जा रहे हैं, मुझको लग रहा है ताहिर भाई को तो फुर्सत है 4-5 महीने के लिए, अब इनको वापसी नहीं आना। और अमान भाई को तो चलो, बैग इनका भी बहुत बड़ा है बैग तो क्या इतना बड़ा था, सिस्टर का था पूरा। अच्छा, ऐसा मामला है, तो सिस्टर का सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्द वापस आएंगे, 15 दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे। बैग लगेगी ना अभी, तो फिर अरे मुझे भी अब ऐसा फील आ रहा, बताएगा कि इनका बैग लगना श्योर है, समझ रहे ना आप लोग, किसमें केमिस्ट्री में। ताहिर भाई ने तो पहले ही से आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा केमिस्ट्री में लगेगा बैग, और मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि सब पढ़ते थे तो ताहिर भाई हमारे बिस्तर ओढ़ के क्या कर रहे थे, सो रहे थे, इसी कारण इनका बैग लगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसी की वजह से इनका बैग लगा और कोई भी रीजंस नहीं है। तो यार दुख तो बहुत है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, अब इंसान जा रहा है तो इंसान को पकड़ा तो जा नहीं सकता है ना भाई, अब उसको भी कुछ काम है तो आएगा, बहुत जल्द आएगा, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था कि मुझे कितना दुख है, पर कोई बात नहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो अपना और हमारा आपका मामला है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो। अमान भाई यार बहुत दुख हो रहा है यार, आ जाएंगे यार, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाना भाई यार, क्या ही बताऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से बेकार लग रहा है। शाम का वक्त है, 5:30 बज चुका है और ये लोग जा रहे हैं। मैं आज कोचिंग गया था, लेकिन आज मैं कोचिंग से जल्दी आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह मेरे कुछ देर हो गया था उठने में, इसीलिए। तो चलिए ठीक है, अब ये लोग जा रहे हैं तो अब हम इनको गेट तक छोड़ेंगे, उसके बाद हम जब घर आएंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो सी यू सून, बाय बाय। देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो दाइर अल्लाह फेस, मेरे सुन ब्रदर, गुड बाय, सी यू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं छोड़ के उनको वापस आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है कि मैं इस मन्नत शालीमार की रोड पे अकेले पैदल पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ अमान, ताहिर या कोई ना कोई मेरे साथ रहता ही है, लेकिन चलो कोई ना, हर मोड़ देखने पड़ते हैं ज़िंदगी में, तो मैंने भी आज कुछ नया सीखा है, तो आप लोग भी कुछ नया सीखते रहिए परमानेंट। सो सी यू इन होम, ओके। हाँ, तो जैसे कि मैं वापस आ गया था ताहिर लोग को छोड़ के, आपको मैंने बताया था कि मैं वापस जा रहा हूँ घर, और यहाँ पे हमारे अनस भाई गए थे आज IIM खेलने,
बीबीडी की तरफ से। अनस भाई तो कैसा रहा आपका मैच? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट मैच हार गए हम लोग। चलो कोई बात नहीं, तो मैच अनस भाई हार गए तो इसलिए ये भी फतेहपुर आज जा रहे हैं, तो हम लोग चलो इनको भी छोड़ते हैं और इनको विदा करेंगे। अनस भाई, we will miss you भाई। I will back soon brother। ओके तो चलो चलते हैं गाइस, अनस भाई को छोड़ने उसके बाद करेंगे बात करते हैं, इनकी विदाई करेंगे। चलो let's go। अनस भाई यार बहुत तुम्हारी याद आएगी भाई, कसम से बता रहा हूँ। मतलब तुम रहते हो ना तो एक अलग ही लेवल है। आपको मैंने जैसे बताया था कि हमारे घर की फ्लैट की मम्मी है, रौनक रहती भाई फ्लैट में, से रौनक से ही आती फ्लैट की। अगर अनस भाई चले जाते हैं तो, अनस भाई अगर आज चले तो समझ लीजिए आधी रौनक हमारी फ्लैट की चली गई, क्योंकि देखिए अनस भाई जा रहे हैं और अदनान अमान चला गया है। अदनान मंडे को जाएगा वो सब आगे की बातें आगे करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। तो समझ रहे हैं, मतलब आज के दिन मेरा भाई है। को भाई को दुख बहुत बहुत दुख है मेरे भाई को। भाई क्या बताऊं भाई यार, भाई बहुत खुश हो जाएगा। कितने इम्पोर्टेंट हो यार हम लोग के, तुम मतलब तुम खुद ये चीज जानते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस सही है। बात तो सही है। तो चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रो ले यहाँ पे। नहीं नहीं रो नहीं, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, एक शादी है, मैं शादी कंप्लीट कर लूँ उसके बाद वापस आ। ओके तो चलो ठीक है गाइस, अनस भाई ने बताया जैसे कि वो शादी में जा रहे हैं, शादी कंप्लीट करने के बाद वो आएंगे, तो चलो हम लोग इनको छोड़ते हैं, उसके बाद यहीं पे घर आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से आगे क्या करना है। हाँ तो मैं वापस आ चुका हूँ बाहर से, और ये मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ अभी राइट नाउ। मैंने सोचा चलो अब चल रहा हूँ तो एक कोल्ड ड्रिंक पीते चलूँ, और खाना वाना सब रेडी रखा हुआ है, तो अब मैं खाना वगैरह खाऊँगा, उसके बाद आगे देखता हूँ क्या करना है। सो मैं अपना व्लॉग को एंड करूँगा यहीं पे, मेरा व्लॉग आज ज़्यादा देर का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने बस दिखाया कि हमारे भाई लोग जा रहे हैं तो हम लोग बहुत अकेले रहने वाले हैं, तो हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू ऑल।